साथियों, यदि आज आप शारीरिक स्तर पर लगातार बीमार चलते हैं, बाहरी दवाइयां आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो निश्चित आपकी हेल्प करेगी। आप इसे पूरा देखिएगा, समझिएगा, अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। यदि हम आज शारीरिक स्तर पर साथियों बीमार होते हैं, तो इसका मतलब साफ है, ये बीमारी सबसे पहले हमारे मन पर आती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि पहले मन बीमार होता है, उसके बाद शरीर पर बीमारियां दिखाई देती हैं, लेकिन हम शरीर के स्तर पर बीमारियों को ट्रीट करते रहते हैं, उनको दबाने के लिए दवाइयां खाते रहते हैं। यदि लगातार आपकी दवाइयां नहीं छूट रही हैं, बीमारी आपके अंदर बनी हुई है, तो आपको थोड़ा अपने अंदर में काम करना होगा। परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, कुदरत ने हमें हीलिंग कैपेसिटी के साथ में यहाँ पर भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम कुछ लगातार ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार रहते हैं और अपने आप को बीमारी से बाहर नहीं ला पाते। हम क्या गलतियाँ करते रहते हैं साथियों, मैं पहले इस वीडियो में आपसे उनके बारे में बात करूँगा, किस तरह से उन्हें ठीक किया जा सकता है कि हम बात करेंगे, और किस तरह से आप अपने अंदर की हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, यदि आज आप बीमार हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पहले आपका मन बीमार होता है। मन बीमार होने का कारण क्या है, हम समझ लेते हैं। मन बीमार जैसे ही आपका साथियों होगा, तो आपके अंदर में नेगेटिव केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर की रासायनिक प्रक्रिया पॉइजनस हो जाएगी, और जब ये लगातार लंबे समय तक चलती रहेगी तो आपके इनर वर्ल्ड को, आपके शरीर को अंदर से डैमेज करना शुरू करेगी। बस उसी के सिम्टम्स या आउटकम आपको बीमारियों के रूप में शरीर पर बाहरी स्तर पर दिखाई देंगे। मन बीमार क्यों होता है, इसके मैं तीन विशेष कारणों की बात आपसे इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण आप समझ लें, यदि आज आप शारीरिक स्तर पर अस्वस्थ हैं, तो आपका मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ ना होने का कारण है नंबर एक कि आपके जीवन में शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। आपको दुनिया से शिकायतें हैं, आपको आसपास के लोगों से शिकायतें हैं, आपको चीज़ों से शिकायतें हैं, इतना ही नहीं आपको अपने आप से भी शिकायतें हैं। आप थोड़ा गहरे में जाएंगे, समझेंगे, तो शिकायतें सबसे ज़्यादा आपको अपने आप से हैं। जब अपने आप से शिकायतें होती हैं, तो वही शिकायतों का रिफ्लेक्शन हमें दूसरों के अंदर से दिखने लगता है। जितनी ज़्यादा शिकायतें होंगी, उतना ही ज़्यादा साथियों आपके अंदर अस्वीकार भाव होगा। आप चीज़ों को, लोगों को, अपने आप को, आसपास की दुनिया को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं। जितना ज़्यादा आपके अंदर अस्वीकार भाव होगा, उतनी ज़्यादा शिकायतें होंगी, उतनी ज़्यादा अशांति होगी, और लगातार चलती हुई अशांति हमारे मन को अशांत करेगी। इसी की वजह से हमारे मन का स्वास्थ्य खराब होगा, और मन का स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं है, तो बीमारियां शरीर पर आएंगी। मन को स्वस्थ रखने के लिए साथियों आपको अपने आप को शांत रखना होगा, और अपने आप को शांत रखने के लिए चीज़ों को, लोगों को, खुद को, जैसे भी हैं, जो भी है, स्वीकार करना होगा। स्वीकार का मतलब है कि आपकी शिकायतें गिरने लगेगी, अंदर की अशांति आपकी शांति में बदलने लगेगी, आप पाएंगे कि आपका मन स्वस्थ होने लगा। जब ये बातें हम सुनते हैं, तो बहुत बार लगता है कि ऐसा सुनने में तो ठीक है, कहने में तो ठीक है, लेकिन करने में तो कठिन है। बिल्कुल ठीक है, कठिन है, मगर असंभव नहीं है। यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो साथियों आपको इस पर काम करना ही होगा। अस्वीकार को स्वीकार में बदलना होगा, शिकायतें गिरानी होगी, अंदर के रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होगा, वरना लगातार चलता हुआ रेजिस्टेंस आपके अंदर में अशांति, और अशांति का ही परिणाम साथियों स्ट्रेस या बीमारी है। इसे आपको समझना होगा, उसके बाद ही बाहरी दवाइयां आपको शारीरिक स्तर पर ठीक कर पाएंगी, या आप दवाइयों से छूट पाएंगे, वरना आप इस विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे। दूसरी गलती साथियों हम बड़ी करते हैं कि अपने जीवन में दिन भर या सुबह से शाम तक या अधिकतर देखते हैं परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड पाते हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, हम झुकना पसंद नहीं करते, हम अकड़ना पसंद करते हैं, हम अपनी बात पर अड़ना पसंद करते हैं, लगातार उसको प्रूव करने के लिए अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा करते रहते हैं, अपनी समय और शक्ति को वहीं पर बर्बाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से साथियों हमारे अंदर रेजिस्टेंस चलता रहता है, नींद हमारी उठ जाती है, स्वास्थ्य हमारा गिरने लगता है, थका हुआ हम महसूस करते हैं।
साथियों, हमें जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना होगा, झुकना होगा, रिजिडनेस को छोड़ना होगा, वरना लगातार चलता हुआ रेजिस्टेंस, आप अपनी ईगो को लगातार मेंटेन करते रहेंगे तो आप अपने आप को साथियों ऐसी जगह उलझा करके रखेंगे जिसका नतीजा केवल हार होगा। हालांकि आप दुर्भाग्य से या नासमझी से उसे अपनी जीत समझते रहेंगे जिसका नतीजा केवल अशांति होगा। हालांकि आप उस एफर्ट्स में शांति को खोजते रहेंगे, ये आपकी भूल होगी और अल्टीमेटली आप बीमारियों के शिकार होंगे, आप शायद कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एक के बाद एक डॉक्टर, एक के बाद एक दवाई आप बदलते रहेंगे। साथियों, अपने मन को स्वस्थ करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए, तभी साथियों आप जीवन में शांति का अनुभव करेंगे, मन को स्वस्थ करेंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 3, मैं आपसे बात करता हूँ साथियों, यदि आज आप लगातार बीमारियों से परेशान हैं, इसका मतलब आपका मन अस्वस्थ है। मन अस्वस्थ का एक तीसरा बड़ा कारण है साथियों कि आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं, चीज़ों को पकड़ करके रखते हैं, आपके अंदर लेट गो की भावना नहीं है, आप छोड़ते नहीं हैं, आप जाने भी दे यारों में भरोसा नहीं करते, बस आप उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। किसी ने कब कहा था, क्या कहा था, कहने वाला शायद भूल गया होगा, पता नहीं दुनिया में होगा भी या नहीं, लेकिन आपने आज भी बहुत बातों को पकड़े रखा है। मान के चलो कि जब उसने कहा था तो आपने उसका 5 ग्राम वजन अपने ऊपर महसूस किया, आज उसका वजन आपके ऊपर 500 ग्राम हो चुका है, आने वाले टाइम में ये 5000 ग्राम हो जाएगा। साथियों, समझने की ज़रूरत है, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है कि आप इस वजन को गिरा सकें। ये वजन आपको जख्मी करेगा, घायल करेगा, आपके मन को अस्वस्थ रखेगा और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ घातक बीमारियां होंगी। आपको इस वजन को हटाना और गिराना सीखना होगा, लेट गो की भावना में रहना होगा, चीज़ों को छोड़ना सीखना होगा। जाने भी दो, छोड़ो, बस अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ करके जिंदगी में चलना होगा, वरना साथियों इस वजन के नीचे दब जाएंगे। भयंकर बीमारियों को किसी भी दवाई से शायद आप ठीक नहीं कर पाएंगे। पहले जरूरी है आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को गिराएं, आप अपने अंदर की शांति को पैदा करें, आप अपने मन को स्वस्थ करें। मैंने बताया कि 3 बड़ी गलतियां यदि आप कर रहे हैं तो आज से ही छोड़ दें। नंबर 1, शिकायत भरा जीवन छोड़ दीजिएगा, स्वीकार भाव में आ जाइएगा। शिकायतें अभी तक आपके जीवन को नहीं बदल पाई, शिकायतें अभी तक किसी दूसरे के जीवन को नहीं बदल पाई, केवल ये आपको अंदर से खोखला करती हैं, कमजोर करती हैं, बीमार करती हैं। आज से आप इनको छोड़ करके देखिएगा। आप रिजिड मत होइएगा, फ्लेक्सिबल हो जाइएगा, झुकना सीखिएगा, मुड़ना सीखिएगा, ईगो को ड्रॉप डाउन करना सीखिएगा। नेक्स्ट, मैंने बताया चीज़ों को छोड़ करके, भूल करके, लेट गो करने की हैबिट को आप डेवलप करिएगा। आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को पाएंगे कि खत्म हो गया, आपका मन शांत है, शांत मन स्वस्थ होने लगेगा। और यदि मन स्वस्थ होगा तो साथियों आपके अंदर स्वास्थ्य अंदर से बाहर आने लगेगा। आप स्वास्थ्य को बाहर से अंदर भरना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है, बीमारी आपके अंदर से ही बाहर आई है, अंदर से ही वो हील होकर के ठीक होने वाली है। आपकी कुछ कमजोरियां, आपकी कुछ रॉन्ग डेफिनेशंस, आपके कुछ रॉन्ग बिलीफ्स जिसने आज आपको परेशान किया है, बस थोड़ा सा आप अपने अंदर जाकर के देखिएगा, लेंस अपने अंदर में लगाइएगा। बाहरी दुनिया में लोगों के ऊपर लगाने से बेहतर है आप अपने अंदर के जगत को देख लें कि आपके अंदर क्या चलता है। यदि जो कुछ एफर्ट्स आप अभी तक कर रहे हैं परिणाम नहीं मिला तो उन्हें बदलने की जरूरत है, बस आप उसको उल्टा कर दें, बीमारी की जगह स्वास्थ्य आपको मिलेगा, मन शांत होगा, सुखी होगा, आपको आराम मिलेगा। साथियों, अब हम आगे बात करते हैं, यदि आज आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, शारीरिक स्तर पर, छोटी है या बड़ी है, ध्यान से समझ लें। आप अपनी आइडेंटिटी को बीमार की मत बनाइएगा, ये मत सोचिएगा मैं बीमार हूँ, आप बीमार नहीं है, आप एक स्वस्थ इंसान है। बस इस दौर में कुछ टाइम के लिए आप ऐसे स्टेट से गुजर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को अस्वस्थ देखते हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ देखते हैं, मगर विजुलाइजेशन की पावर आपके पास है। कुदरत ने, यूनिवर्स ने विजुलाइजेशन की पावर इस ह्यूमन बींग को देकर के भेजी है। जो भी आज हम अपने आसपास देखते हैं, ये सभी कुछ किसी ने कभी विजुलाइज किया तभी हम देख पाते हैं। आपने भी बहुत कुछ विजुलाइज किया होगा, आपके पास साथियों अपने रेफरेंस होंगे, आप भी अपनी जिंदगी में देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपने चाहा, जो आपने सोचा, जो आपने विजुलाइज किया, उसमें से कुछ तो पूरा हुआ ही होगा।
निश्चित ही ये ताकत काम करती है, ये विज्ञान काम करता है। अब आप अपने आप को स्वस्थ देखिएगा, खुश देखिएगा, आनंदित देखिएगा, अपने आप को जो आप करना चाहते हैं उसे करता हुआ देखिएगा। मैक्सिमम टाइम जब आप अपने आप को स्वस्थ देखेंगे, आनंदित देखेंगे, कुछ क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव करता हुआ देखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप उसको बार बार दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, वो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम करने लगेगा। वो उस तरह के लोगों से, उस तरह के रिसोर्सेज से, उस तरह के सोर्सेज से आपको कनेक्ट करेगा जो आपके विजुलाइजेशन को रियलिटी में चेंज करने के लिए काम करेंगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जब अपने आप को स्वस्थ देख रहे हैं, जब अपने आप को आप आनंदित देख रहे हैं, आप डिलाइटेड हैं, आप हैप्पी हैं, आप ब्लिसफुल हैं, क्रिएटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं, आप लोगों से खुश हैं, ऐसी स्टेट में साथियों आपके अंदर के केमिकल रिएक्शंस, मेरा मतलब कभी भी नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे। अभी जो आपने अंदर जो फैक्ट्री चलाई हुई है नेगेटिव हार्मोन्स की, ये बंद हो जाएगी। जैसे ही आप पॉजिटिव स्टेट में, अधिकतर पॉजिटिव विजुलाइजेशन में रहेंगे, तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स, हीलिंग हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप अंदर से हील होने लगे। बीमारी अंदर से ही आई है, अंदर से ही ठीक होगी, बाहरी चीज़ों से आप उसे कुछ दिन के लिए दबा सकते हैं, मगर आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए अंदर से हील करके लाना होगा, अंदर के केमिकल्स को बदलना होगा जो केवल आपके हाथ में है। बाहरी दवाइयों से केमिकल्स को बदल करके लंबे समय तक आपका शायद काम चलने वाला नहीं है। दवाइयों की हेल्प ले लें, लेकिन अपने अंदर पे काम जब करके आएंगे तो दवाइयों का इफ़ेक्ट्स भी कई गुना पॉजिटिव आपके लाइफ में दिखेगा। आप जल्दी हील होंगे, जल्दी ठीक होंगे, दवाइयाँ भी छूट जाएंगे, आप एक नए इंसान बन जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों आप अपने आप को दूसरी बात का ध्यान देना, बार बार अपने आप को याद दिलाएं आप स्वस्थ होकर के क्या करने वाले हैं, आप स्वस्थ क्यों होना चाहते हैं, अपने क्यों को बड़ा कर लीजिएगा, स्वस्थ होकर के आप क्या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप इस धरती पर, पृथ्वी पर या कुछ भी तो कुछ है जो आप करना चाहते हैं, बस उसका भी विजुलाइजेशन करना शुरू करें, उसको भी करते हुए अपने आप को देखिएगा। आप निश्चित पाएंगे कि अब आप भी आपके साथ हैं, आपके केमिकल रिएक्शंस भी पॉजिटिव हैं, और जब आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करता हुआ अपने आप को देखेंगे तो वो भी आपके साथ है। जब इतना कुछ आपके साथ होगा तो आप निश्चित ही लाइलाज से इलाज में आ जाएंगे, असंभव से संभव में आ जाएंगे, भरोसा आपका गहरा होगा। आप अपने विश्वास को बनाए रखना, आप लगातार ये सभी कुछ करते रहना। पहले मैंने जो बताया 3 गलतियां करना छोड़ दें, दूसरा मैंने बताया कि आप पॉजिटिव विजुलाइजेशन का सहारा लें, बहुत बड़ी ताकत है जो आपकी इनर केमिस्ट्री को बदलेगा। लगातार लंबे समय तक आप इसी प्रक्रिया में चलते रहें, जो साधन आपके आसपास अवेलेबल हैं, जो आपको यूनिवर्स कनेक्ट करे, अवेल करे, उनसे आप कनेक्ट करते रहें, एक्शन लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, निश्चित ही आप एक बेहतर जीवन की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों अभ्यास जरूर करना, रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस ऐसे ही छोटी बातें समझ करके यदि छोड़ते रहेंगे, इस वीडियो को सुनकर ही आपके अंदर आनंद आया है, तो निश्चित ही इसका परिणाम भी इससे कई गुना आनंदमय होगा। आप इसको अभ्यास में जरूर लाना। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।